एक अशोक सुंदरी और दूसरी है देवसेना, ये दोनों बाल्यावस्था की रहती है, दोनों छोटी। बस देवसेना का सबसे बड़ा जो क्रम है वो एक प्रबल है कि ये अपने केशों से सेना तैयार कर लेती है और सारी सेना को एक क्षण में सम्मुख में प्रकट कर देती है, युद्ध कर लेती है। एक बार महाराज इंद्र युद्ध करने के लिए जा रहे थे और इंद्र की धर्म पत्नी ने इंद्र से कह दिया था, मैंने सुन रखा है कि देवसेना के पास में आप जाते हो और देवसेना से जाकर कहते हो कि तू सेना भेज दे। इंद्र की पत्नी कहती है, स्त्रियों में थोड़ा सा ईर्ष्या का जो भाव होता है थोड़ा ज्यादा होता है पुरुष की अपेक्षा। पुरुषों में ईर्ष्या नहीं होती, पुरुषों में कंपटीशन भी नहीं होता ज्यादा कि हो, थोड़ा बहुत होता, हो थोड़ी ईर्ष्या पुरुषों में हो तो हो, पैसे होती नहीं है, पर स्त्रियों में ईर्ष्या ज्यादा होती है। ये कुर्सी पे क्यों बैठी है, हम आगे आगे क्यों बैठ गई, हमें भी बिठाना था, ऐसा हो गया वैसा। ईर्ष्या का जो भाव है वो नारी में स्त्री में थोड़ा होता है। सास अगर एक बहू को ज्यादा पूछ ले बड़ी वाली को तो छोटी का मुंडा भगोना हो जाता है, और छोटी को पूछ ले तो बड़ी का मुख भगोना हो जाता है। तो ये थोड़ी ईर्ष्या। इंद्र की धर्मपत्नी ने कहा, यदि आपको युद्ध के मैदान में अगर आप हारते हो तो मैं आऊंगी आपके लिए युद्ध करने के लिए, आप देवसेना के पास नहीं जाओगे, आप देवसेना के सम्मुख में ना जाइएगा। महाराज ठीक है, इंद्र की पत्नी कहती है कि आपको देवसेना के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देवसेना के पास ना जाकर युद्ध में अगर आपकी हार होती है तो मुझे बुलाना, मैं सेना लेकर आऊंगी। महाराज शास्त्र कहता है जब इंद्र हारने लगे युद्ध को तब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, जब पत्नी को बुलाया खबर पर खबर पहुंचा दी पर इंद्र की पत्नी नहीं आई, फिर खबर पहुंचाई इंद्र की पत्नी नहीं आई। बारंबार इंद्र खबर पहुंचा रहे हैं कि सेना हार चुकी है, धर्म पत्नी ने कहा था मुझे बुलाना, जाओ आइए। होता है कई बार स्त्रियां कह देती है, पत्नी पति से कह देती है मैं सब कर दूंगी ना, तुम मुझसे तो बोलो, मैं तैयार बैठी हूं सब करने के लिए, और जब करने का टाइम आता है तो मालूम पड़े छत पे जाके आराम से बालों में मेहंदी लगा के बैठी रहे। करने का जब समय आए तब, और पत्नी कहे मैं हूं ना, मैं कर दूंगी ना, मैं हूं, मैं सब कर दूंगी, तुम मुझसे तो बोला करो, मैं करूंगी। क्यों अपनी मम्मी से बोलते हो, क्यों भाभी से बोलते हो, क्यों बहू से बोलते हो, मुझसे बोलो। अब पति ने सोचा चलो इससे ही बोल देंगे, अब इसको कोई काम बताओ तो ये फिर चिल्ला के दौड़े, तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं, हम ही हम करें, घर में और भी तो लोग हैं, उनसे तो कहते ही नहीं करने का। अब पति बोला तू ही बोली कि मेरे से तो कहते ही नहीं हो, और तेर से क्यों, तो क्योंकि मैं नौकर लगी। राम बड़ी आफत है महाराज, सबसे ज्यादा हालत खराब तो पति और हो की है। एक पति बेचारा पत्नी को लेके गार्डन में घूमने गया, गार्डन घूमने गए तो सामने से कुत्ता आ गया बड़ा सारा भयंकर। अब वो कुत्ता इनके सामने आए, पति को लगा ये मेरी पत्नी को काट खाएगा, और पत्नी को लगा ये मुझे सही में काट खाएगा, अब क्या करें। कुत्ता आगे आता जाए, पति और पत्नी ने हाथ पकड़ा थोड़ा सा पीछे हटे, पति को लगा ये कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये पत्नी को काट गया तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को तैयार कौन करेगा,
कुत्ता और पास में आया, पति ने हाथ पकड़ के पत्नी को पीछे करा। कुत्ता जैसे ही लपक कर आया, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया कि मेरे पांव को काट ले पर इसी को ना काटे। पति ने पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी चिल्ला के बोली, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, दुनिया के लोग कुत्ता भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब तब बेचारे ने अच्छा सोचा तो बुरा हो गया उसे। अब किस्मत में यश नहीं लिखा तो क्या करो, यश भी तो। इंद्र कह रहे हैं, इंद्र की पत्नी ने कहा कि तुम किसी को मत बुलाना, मुझे बुलाना, मैं सारी सेना लेकर आऊंगी। अब बेचारा आधा तो युद्ध में लड़ रहे, सेना समाप्त तो होती जा रही, और पत्नी के पास खबर पहुंचाई तू सेना लेके आ। पत्नी मालूम पड़े वो तो बढ़िया चोटी कंगा कर रही है। पत्नी को चार बार जाके कह दिया, इंद्र महाराज बुला रहे हैं, सेना लेकर आओ, सेना लेकर आओ, सेना लेकर आओ। तो धर्म पत्नी बोली इंद्र की, कह दो अभी तैयार तो हो जाए। इंद्र बोले, हो गया कल्याण, इतने में तो पूरी सेना ही समाप्त, बोल दो। जब इंद्र की धर्म पत्नी सेना लेकर नहीं पहुंची, इंद्र हाथ जोड़कर निवेदन करे, हे देव सेना प्रकट हो। छोटी सी कन्या दौड़ती हुई सामने आ गई, दौड़ छोटी सी कन्या, और वो कन्या दौड़ती हुई सामने जब आकर खड़ी हुई, इंद्र ने कहा, देव सेना जी कृपा करो, सेना समाप्त तो हो गई है, आप सेना का निर्माण करिए। देव सेना ने उसी समय पर सरोवर में कुंड में जाकर स्नान करा। स्नान कर बाल को जो छीटा, जितनी बूंदे पानी की गिरी उससे सेना उत्पन्न हो गई, और इंद्र के युद्ध में इंद्र की विजय प्राप्त करा दी, प्रदान करा दी। शिव कृपालु की दया इतनी थी महाराज, ये देव सेना बहू भी बनी तो किसके घर की बनी है, शंकर जी के घर। एक बार देवसेना ने कार्तिकेय जी से कह दिया था, देखो कहीं दूसरी जगह की बहू बनते तो रोज की सेना की जरूरत होती, शंकर भगवान के घर की बहू बने, एक बार कभी हमसे नहीं किया कि तू सेना ला, एक बार नहीं कहा कि तू सेना ला। ये बड़ा विचित्र काम होता है साहब, जो बहुएं सोचती हैं कि ससुराल जाऊं तो मेरी सास जरूर मिले, उसकी सास वहां मिलती नहीं है, वो लड़का ही ऐसा मिलेगा कि उसकी माई मर चुकी होगी बेचारे। और जो बहुएं सास से बहुत घबराए फिर उसको अच्छी जगदम्बा ही मिलती, नहीं मिले नहीं मिले तो मिले जरूर, और मिले तो नहीं मिले होता है। एक बेचारी एक लड़की थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, मेरी जहाँ शादी हो भोलेनाथ मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मैंने इस घर में माँ नहीं देखी तो वहाँ माँ मिल जाए। अब उसकी जहाँ शादी हुई वहाँ सास ही नहीं थी, इसके बहुत दुख हुआ, इतना दुखी हो गई कि मेरी सास नहीं है, मैं किससे पूछकर सब्जी बनाऊँ, किससे पूछकर कपड़े पहनूँ, किससे पूछकर त्यौहार मनाऊँ, क्या करूँ मैं। इतने में इसने अपने पति से कहा, सुनो ये लोहे की तगाड़ी फावड़ा रखा है, अच्छा रखा रहने दे। इतने में पत्नी गई तो सारा लोहे की तगाड़ी फावड़ा सब बीन कर लोहे का जितना सामान, कुर्सी टेबल सब ले गई लोहार की दुकान पे। लोहार से कहा, भैया इसको गला लो और गला के लोहा की सास बना दो। अब उसने लोहे की सास बनवा ली। अब लोहे की सास बनी तो लोहे की सास बनी, जैसे ही लोहे की सास बनी इसने कुर्सी पर उसको रख दिया। अब कुर्सी पे सास रखी,
उसको साड़ी वाड़ी पहना दी बढ़िया जोरदार, वो पूछ पूछ के काम करे, सासू जी बताओ भिंडी की सब्जी बनाऊं कि गिलकी की बनाऊं, अब वो कोई लोहे की सास बोले क्या, फिर भी वो तो पूछ पूछ के काम करे साथ। सारा काम पूछ पूछ के कर रही वो। एक दिन पति आया, पति ने पूछा क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, लोहे का सामान कहाँ गया। पत्नी बोली वो तो सब मैं गलवा के सास बनवा लाई। पति ने कहा पागल मूर्ख, जब घर में सास नहीं थी तो बनाने की क्या जरूरत थी। इसने धक्के मार कर निकाल दिया, कहाँ है सास, वो देखी लोहे का पुतला, उसको भी फेंक दिया, निकल जा घर से, अब आने की जरूरत नहीं मेरे घर में, जा। धक्के मार कर निकाल दिया। ये अपनी सास को गोदी में लेकर चली, रोती जाए अब कहाँ जाऊँ इतनी अंधेरे में, घर भी नहीं जा सकती मायके क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है, क्या करूँ। घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ गई सास को लेके ऊपर। अब सास को लेके ऊपर चढ़ी, रात को आकर चोर आए तो नीचे बैठ के माल बांट रहे थे, हिस्सा सोना चांदी सब इतना सारा। इसको आ रही थी नींद, नींद के झोंके में हाथ में जो सास रखी थी लोहे की वो टपक गई नीचे। जैसी टपकी वह लोहे की सास सोने पे गिरी, गिरते से ही सबकी सब घबरा गए। चोरों ने सोचा पुलिस वाले आ गए, भागो जल्दी से, सब सामान छोड़ के भाग गए। इसको लगा कि सास नीचे गिर गई, नीचे गई तो सास तो सोने पे पड़ी थी। इसने तुरंत कहा बारी सासू कितना माल दिया तूने, और पोटली बांध बुंदा के लेके सास को बाजू में दबा के पहुंच गई। दरवाजा बजाए, दरवाजा तो खोलो, ए जी। पति आकर बोला फिर आ गई, अरे देखो तो सास ने कितना दिया। जो देखा, देखते से बोला अंदर चलो, अंदर आओ जल्दी जल्दी अंदर आओ। अब तो इनके गाड़ी ने बंगला ने खूब ठाट बाट हो गए। अब ठाट बाट इनके तो हो गए, पर जो पड़ोस में रहती थी ना उसकी आफत हो गई, वो चिंता में ही मर गई। इसकी आज तक कैसे आ गया, इसकी आज तक कैसे। एक दिन इसने इसको चाय पे बुला लिया, क्यों रही जीजी, पहले तो तुम्हारे इतना था नहीं, ये इतना सारा सब कहाँ से आ गया। अरे मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा सामान गला के लोहे की सास बनवाई, फिर मेरे पति ने धक्के मार कर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया, फिर मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, फिर आधी रात को मेरी सास नीचे गिर गई, सोना ही सोना मिल गया। अब इसने सोचा अपनी तो जिंदा बैठी है, इसकी तो मर गई तो इतना सोना दे रही, अपनी तो अंगूठी तक नहीं दे। इसने भी अपने पति से कहा सुनो, पति बोला हाँ बोल, सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी मैं। पति बोला घर में अम्मा है तो सारी, तुम्हारी अम्मा को जान दो चूल्हा में, मैंने बोल दिया मैं सास बनवाऊंगी लोहा की, हाओ फिर सुनो तुम मुझसे झगड़ा करके मुझे धक्के मार कर निकाल देना, और तुम्हारी सास को भी अर्थात लोहे की सास को भी घर के बाहर फेंक देना, ठीक है। फिर मैं रात को जब सास नीचे गिरेगी खूब सोना देगी, हाँ। जैसा जैसा बताया था पति ने वैसा वैसा कर दिया बेचारे ने, वो तो सीधा साधा है प्राणी। अब इसने धक्के मार कर निकाल दिया, ये पेड़ पे भी चढ़ गई। रात को चोर भी आ गए, माल बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे पटक भी दिया। चोरों ने सोचा अगली बार पागल बन गए, अब की बार नहीं बनना, ऊपर कोई समझदारी बैठा है, हर बार माल अपना निकाल लेता है, उतारो इसको नीचे। अबे इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा खूब दोचा, और गले में जो चेन पहनी थी, मंगलसूत्र पहनी थी, चूड़ी पहनी थी, वो भी निकाल ली। सब ईर्ष्या की जो प्रति है वो पनपने नहीं देती। ईर्ष्या की वृत्ति हमारी हमें पनपने नहीं देती, इसलिए ईर्ष्या से दूर रहे। महाराज देवसेना छोटी सी कन्या, वो देवसेना शंकर जी के घर की बहू बनी, पर कभी सेना की जरूरत ही नहीं पड़ी, शंकर को क्या सेना की जरूरत।
क्या जरूरत सेना की? हाँ, जब तारकासुर के पुत्रों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को जब मारने के लिए भगवान सेना लेकर गए थे शंकर भगवान, तब 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर लेकर गए थे, तो शिवजी का नाम पशुपतिनाथ पड़ा था। बस एक ही बार शंकर भगवान सेना लेकर गए, उसके बाद कभी भगवान शंकर सेना लेकर नहीं गए। कभी भी शंकर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, शंकर भगवान कहीं पर किसी राक्षस का संहार करने जाते थे, तो शिव अकेले जाते थे, सेना की जरूरत नहीं थी। किसी 33 कोटि देवताओं की कथा निकाल कर देखना, सारे देवताओं को असुरों ने युद्ध के लिए ललकारा, पर शंकर भगवान को किसी ने युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों? सब जानते थे कि शंकर भगवान से युद्ध लड़ना कठिन है, क्योंकि शंकर भगवान जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, इनके भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर आत्माएं, प्रेत आत्माएं सब पहली पहुंच जाते थे। वो आत्माएं सबके शरीर में भरा जाती थी, एक दूसरे को लड़ा लड़ा के मार देती थी, तो शंकर भगवान को कोई लड़ने बुलाता ही नहीं था। कौन बुलाए? ये भ्रमति हमें, शंकर भगवान देव सेना की जरूरत, शंकर भगवान को युद्ध में चाहिए ही नहीं, चाहिए बाबा। इंद्र ने कहा देव सेना आए, देव सेना प्रकट हुई, हजारों सेना बल तैयार कर देव सेना इंद्र को विजय दिलाए। देव सेना सभी देवताओं को विजय प्रदान कर देती, इतनी प्रखरता उस देव सेना में, और शंकर की आराधना में डूबी रहती, शिव की आराधना में डूबी रहती, बस भगवत भजन। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्रे, जीवन भी अर्पण कर। हे शंभो बाबा मेरे तेरे
सेना को तैयार कर कर जो अग्रण्य रखे वो देव सेना कितना तप करा है देव सेना ने महाराज। कहते हैं कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देव सेना शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त करने के लिए, जैसे पार्वती जी ने जो तप करा उससे हजार लाख गुना ज्यादा तप गंगा जी ने करा। पार्वती के तप से ज्यादा प्रबल तप गंगा ने करा है, प्रबल तप। ये तो हो गई शंकर भगवान की कथा, और गंगा से भी लाख प्रबल तप देवसेना ने कार्तिकेय को पाने के लिए करा। प्रबल तप, और इतना प्रबल तप देवसेना करी है शिव महापुराण के स्कंद पुराण में तो वर्णन किया गया, और शिव महापुराण में भी वर्णन है, लिंग पुराण के अंतर्गत भी वर्णन है कि देवसेना केवल वायु ग्रहण करती थी नासिका के एक छिद्र से और उसी छिद्र से वायु को छोड़ती थी, कुछ नहीं खाती, कुछ पाती भी नहीं, खाती भी नहीं। किसी वस्तु को किसी चीज को पाने के लिए जो तप साधना करी जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज ये कथा पर कि आप अपनी मनोकामना कर कर यदि कोई व्रत कर रहे हो, आप अपनी मनोकामना कर कर कोई तप साधना कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, शिव महापुराण कथा कहती है उसमें से रस तत्व को निकाल देना चाहिए। समझने में रस तत्व से मतलब, जैसे अगर आप कोई विशेष कोई
चीज को पाना चाहते हो कि मेरे को ये एग्जाम में पास होना है या मुझे ये करना है या मुझे ये फल चाहिए, और आप कोई व्रत कर रहे हो, तो उस व्रत में नमक का रस तत्व मतलब नमक का त्याग कर देना चाहिए। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में जो केले के वृक्ष की पूजन बताई है, विष्णु पुराण के अंतर्गत केले का जो वृक्ष होता है, केल का वृक्ष जिसमें बृहस्पति भगवान होते हैं, तो उसका वर्णन किया गया कि केल वृक्ष की जो पूजन करी जाती है उसमें अलोना भोजन किया जाता है। अलोना से मतलब उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसमें मीठा पड़ा हो चल जाएगा, फीका होगा चल जाएगा, पर उसमें नमक नहीं डाला जाता। तो केवल विष्णु पुराण से मतलब नहीं है, यहां पर शिव महापुराण कहती है कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आप कोई व्रत साधना तप कर रहे हो और उसमें आपको प्रबलता चाहिए और वो फल आपके हाथ में होना चाहिए, तो उसके लिए रस तत्व का त्याग हो। सोलह सोमवार करे उसमें कोई रस तत्व नहीं होता, संकट सोमवार में कोई रस तत्व नहीं। कई कई माताएं पशुपति व्रत जो करती हैं तो पूछती हैं कि पशुपति व्रत गुरुजी ने बताया है सोमवार के दिन करना चाहिए, पांच सोमवार करना चाहिए, सुबह मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो, अभिषेक करो, शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें छह दिए लेकर जाओ, पांच दिए मंदिर के अंदर लगा दीजिए, मीठा लेकर जाओ, उसके तीन हिस्से कर दो हिस्से मंदिर में समर्पित कर दो, एक हिस्सा लेकर आओ और एक दिया वापस लेकर आओ, जब घर में प्रवेश करो राइट हिस्से में, अंदर प्रवेश करते समय सीधे भाग में दरवाजे पर दिया लगा दीजिए, मिठाई अंदर जाकर भोजन के साथ पा लीजिए। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि हम भोजन कौन सा करें, तो निवेदन है शिव महापुराण में जो पशुपति व्रत कहा गया उसका विधान के अनुसार सुबह फलार करिए, शाम को भोजन करिए, उसमें रस तत्व का त्याग नहीं है, उसमें नमक का त्याग नहीं है। हाँ, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, आप कोई बहुत विशेष कामना से कर रहे हो, तो फिर रस तत्व का त्याग कर सकते। अगर कोई विशेष कामना से आप कर रहे हो तो रस तत्व को त्याग सकते।